फ्रेंड्स, आज मैं आपको होममेड मिल्क मेड बनाना सिखाऊंगी और ये बिल्कुल मार्केट से भी अच्छा बनेगा और अगर आप घर में इसको बनाते हैं तो बहुत ही कम पैसों में आपका मिल्क मेड रेडी हो जाएगा, क्योंकि जो मार्केट का होता है वो बहुत ही कॉस्टली होता है। तो कैसे हम इसे बनाएंगे, आज मैं इस वीडियो में यही आपको बताऊंगी कि आप मार्केट से भी अच्छा मिल्क मेड घर पे कैसे बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी मिठाई हो, कुछ भी हो, तो उसमें हमें मिल्क मेड की ज़रूरत होती है। तो आप घर में बना के यूज़ कीजिए। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूं। और अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, पुष्पलता किचन 15 नेम से। मिल्क मेड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 kg मिल्क। 1 kg मिल्क को हम पहले गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद हम उसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। शुगर हमको यहाँ पे 2 बाउल लेना होगा या 2 कप, और अगर आपने 500 लिया है तो 1 कप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे और उसके बाद इसे हमें कंटिन्यू चलाना है और इसे बीच बीच में हिलाते रहना है और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे, पहले हमें इसे थोड़ा हाई फ्लेम पे करना है, उसके बाद फिर हम लो फ्लेम पे कर देंगे। और शुगर इसके अंदर हम इसलिए साथ में ऐड करते हैं ताकि जो मिल्क मेड होता है वो थोड़ा सा स्मूथ सा दिखाई देता है। वो इसी कारण होता है कि हम शुगर और मिल्क को एक साथ पकाते हैं। तो यहाँ पे मैं देखिए, आप कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है, तो इस तरह से, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो गया है, पक चुका है हमारा मिल्क और इसका कलर आप देख सकते हैं मिल्क मेड के जैसा कलर आ गया है। उसके बाद इतना गाढ़ा, जैसे 1 किलो मिल्क है तो अगर 250 तक हमें करना है, उसके बाद इसके अंदर हमें मिक्स करना है 1 pinch बेकिंग सोडा। तो 1 pinch बेकिंग सोडा मिलाने के बाद इसको हमें कंटिन्यूस चलाते रहना है। इसमें थोड़ा सा बबल्स इस तरह से आएंगे तो ये, मतलब ये अच्छी बात है, और इसको कंटिन्यूस हमें इस तरह से चलाते रहना। इससे क्या होता है कि इसकी जो थिकनेस है वो भी बढ़ जाती है और मिल्क मेड का जो क्वांटिटी है वो भी थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा झाग जैसा हो रहा है, जब आप गैस बंद कर देंगे तो ये बबल्स बंद हो जाएंगे। तो अभी इसको डालने के बाद हमें गैस को बंद कर देना है, उसके बाद ठंडा हो जाता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं इस तरह का गाढ़ापन हमें चाहिए। ये अभी ठंडा हो चुका है तो आप देख सकते हैं जो झाग आ रहा था फेन वो चला गया है और मिल्क मेड हमारा रेडी हो गया है। तो अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो एकदम आप देख सकते हैं बाज़ार से भी अच्छा और बहुत जल्दी बन जाता है। 15 से 20 मिनट में आपका मिल्क मेड बन के रेडी हो जाता है। आपको कभी भी कोई भी स्वीट में यूज करना है, आइसक्रीम में यूज करना है, केक में यूज करना है, आप फटाफट बनाइए और उसको यूज कीजिए, क्योंकि मार्केट में तो बहुत महंगा आता है। इसको आप घर पे आसानी से इजीली बना सकते हैं। तो आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं कितनी है और कितना परफेक्ट बना है, और टेस्ट तो एकदम परफेक्ट, मतलब मार्केट से भी अच्छा टेस्ट, और घर का बना बिल्कुल शुद्ध, इसमें कोई मिलावट नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि मार्केट में कभी कभी मिलावट भी होती है। मिल्क से ही हमने इसको बनाया है। तो फ्रेंड्स, ये मिल्क मेड बनाने की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूँ। और फ्रेंड्स, लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें। चलिए मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।